नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक उदय की कहानी एक अद्वितीय कथा है। उनके प्रयासों ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और कदमों ने देश को उस दिशा में मोड़ा है जहाँ उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और साथ साथ नई ऊंचाइयों तक पहुँची। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बदली, इसका विश्लेषण करते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था धीमी थी। उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों की एक सीरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को कम किया था, लेकिन 2014 से 2024 के बीच भारत की GDP यानी प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 40% थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए गए। उनकी नीतियां और योजना नकारात्मक को खत्म करने की दिशा रही और साथ ही विकास के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान जैसी उनकी योजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और नए सुधारों के माध्यम से भारत ने अपनी वृद्धि को गति दी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है और विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है। इसने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में नई रोशनी आई, बल्कि इससे निवेश के साथ साथ रोजगार के नए नए अवसर मिलने में भी मदद मिली। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक मंदी से उबार पाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और देश के विकास की गति में वृद्धि की है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उद्योग, प्रौद्योगिकी, कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचारी कदम उठाए हैं। उनकी सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में नई योजनाओं को शुरू किया है। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल इंडियाज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।